नमस्कार, सार्थक संवाद कार्यक्रम में मैं हरप्रीत कौर आपका स्वागत करती हूं। आज हम अपने कार्यक्रम में एक ऐसी संस्था की बात कर रहे हैं जो भारतीय समाज व संस्कृति में अमूल्य योगदान दे रहा है। हम बात कर रहे हैं आज आर्य समाज की। जी, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में की थी। यह वो समय था जब भारत देश को ब्रिटिश बेड़ियों ने जकड़ा था। ऐसे में स्वामी जी के मार्गदर्शन में न सिर्फ गुलामी की बेड़ियां टूटी थी बल्कि समाज कुरूतियों से भी बंधन मुक्त हुआ था। आइए चर्चा करते हैं आर्य समाज के योगदान की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनय आर्या जी जो महामंत्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के। इसके साथ ही खास मेहमान एक और वीरेंद्र सरदाना जी जो कि मंत्री हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के। आप दोनों का मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आर्य समाज की अगर हम बात करें तो शुरू से लेकर अब तक समाज के विकास में अमूल्य योगदान देता आ रहा है और दिया भी है। अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति की तो मैं जानना चाहूंगी कि हिंदू सुधार आंदोलन जिसे कहा गया है वो आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये है क्या? हरप्रीत जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आप आर्य समाज के विषय में सभी को जानकारी देने के लिए इस चर्चा को आरंभ करने जा रहे हैं। और आपके इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए मैं इस रूप से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें आर्य समाज की स्थापना के समय की इस देश की परिस्थितियों को थोड़ा सा समझना होगा। आर्य समाज की स्थापना प्रख्यात सन्यासी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की, और जिस समय आर्य समाज की स्थापना की गई उस समय इस देश की परिस्थितियों को समझने के लिए हम तीन क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं। पहले उस समय की राजनीतिक अवस्था जी। उस समय की राजनीतिक अवस्था की स्थिति यह थी कि हमारा देश एक गुलामी का जीवन जी रहा था और हमारा शासन किसी और के द्वारा चलाया जा रहा था जी। और उस समय हम ये भी सोचने के लिए तत्पर नहीं थे कि हम किसी और द्वारा शासित हैं जी। हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम किसी और के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, हमारा अपना शासन होना चाहिए। ये स्थिति इस देश के आम व्यक्ति की हो चुकी थी। दूसरी स्थिति शैक्षणिक स्थिति। शैक्षिक स्थिति क्या थी उस देश की? उस समय शैक्षणिक संस्थान के नाम पर जो मूल सिस्टम था इस देश का, गुरुकुल व्यवस्था, वो समाप्त हो चुकी थी। केवल और केवल अभिजात्य वर्ग के लोग, यानी कि जो जमींदार वर्ग था, राज्य वर्ग था, जो धनपति वर्ग था, केवल वो ही अपने बच्चों को अंग्रेज सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले बढ़िया स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, या फिर कुछ लोग पुरोहितों के माध्यम से या कुछ मौलवियों के माध्यम से अरबी की शिक्षा और संस्कृत की शिक्षा दिलवा पाते थे जी। जो आज हम विद्यालयों का एक सिस्टम देखते हैं पूरे देश में, ऐसा कुछ भी सिस्टम उस समय नहीं रह गया था, जिसके कारण से देश पूरी तरह से अशिक्षित था जी। तीसरी जातीय व्यवस्था, जो इसको सामाजिक स्थिति को हम कह सकते हैं, तो हमारे देश की सामाजिक स्थिति इतनी निम्न स्तर पर पहुंच चुकी थी कि हम एक हैं, हम एक जाति के हैं, हम एक विचारों के हैं, हम एक संस्कारों के हैं, हमारा इतिहास एक है, ये भी जानकारी उस समय के भारत के नागरिकों को नहीं रह गई थी। जिसके कारण सबसे बड़ी दुर्दशा ये थी कि हम जहां हैं जैसे हैं उसी अवस्था में जीने का प्रयत्न करने मात्र में लगे हुए थे। हमें कहीं जाना है, हमें आजाद होना है, हमें आगे बढ़ना है, ये सोच हमारी मर चुकी थी। प्रथम दृष्टया में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का इस रूप में स्मरण करना चाहूंगा कि सबसे पहले उन्होंने इस देश की इस अवस्था को गहराई से समझा, और समझने के बाद उनको ये जरूर महसूस हो गया कि जब तक इस देश के मूल नागरिक को इस देश के मूल इतिहास से, जो कि संसार में विश्व गुरु कहलाता था, संसार के लोग यहां पढ़ने के लिए आया करते थे, ऐसी अवस्था से परिचित नहीं कराएंगे, शिक्षित नहीं कराएंगे, और जब तक हमारा देश का नागरिक मूल रूप से महिला वर्ग शिक्षित नहीं होगा, तब तक इस देश को इस अवस्था से निकाल पाना असंभव है। और इसी के नाते से उनको एक समय ऐसा लगा कि इस धार्मिक व्यवस्था की मैं थोड़ी सी चर्चा और करता चलूं। सामाजिक स्थिति की चर्चा हमने की, राजनीतिक स्थिति की चर्चा हमने की, और शैक्षणिक स्थिति की चर्चा की, धार्मिक जगत की चर्चा और आवश्यक है। धार्मिक जगत में धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास इतना बढ़ चुका था कि हर व्यक्ति अपने आप को धर्म का गुरु बता करके
और अनपढ़ व्यक्ति को धर्म के नाम पर केवल ठगने का काम कर रहा था, जिसके कारण से पढ़ा लिखा वर्ग धर्म से विमुख हो रहा था और अनपढ़ वर्ग धर्म के कारण ठगा जा रहा था, जिसके कारण धर्म नाम की चीज हम सब लोगों से बहुत दूर जा चुकी थी और वेद जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती जिसको ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं कि ईश्वर ने मानव को मानव के दुनिया को संचालित करने के लिए जो ज्ञान दिया उस ज्ञान की समाप्ति प्राय हो चुकी थी और महर्षि दयानंद सरस्वती ने मूल रूप से ये कहा कि जब तक वेद का ज्ञान दोबारा से हम सब के बीच में नहीं आएगा और हम अपने आप को वेद ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचेंगे तब तक हमारी उन्नति असंभव है, हम अंधविश्वास में ही रहेंगे। तो जो इस हिंदू जागरण की जो आपने बात कही, मूल रहता आर्य समाज का आंदोलन केवल हिंदू जागरण तक सीमित नहीं था, ये मानव कल्याण को समर्पित एक आंदोलन था। मानव मानव एक है और उसकी विचारधारा भी उस ईश्वर की विचारधारा के कारण से आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए और हम सब लोग मिलकर के एक ऐसे भारत का एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ सके, इस सोच के लिए और उस सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए और मानव के लिए जो ईश्वर ने ज्ञान दिया उस वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। जी लेकिन उस समय अगर हम बात करें उस समय और भी ऐसे कई आंदोलन चल रहे थे जो समाज सुधार में लगे हुए थे और समाज सुधार हो भी रहा था हर पहलू से, जैसे आपने बताया कि शैक्षिक हो राजनीतिक हो हर तरह से सुधार हो रहे थे। एक आंदोलन था स्वतंत्रता आंदोलन जिसके तहत ही ये सब कार्य भी चल रहे थे, तो ऐसे में जो थी समकालीन कोई ऐसा आंदोलन था जिसके सिद्धांत जो थे उस वक्त आर्य समाज से मिलते थे लेकिन कार्यक्रम अलग था। जी बहुत अच्छी जानकारी आपने आरंभ की है। उस समय हिंदू या आप कहें भारत में जन जागरण का काल चल रहा था, पुनर्जागरण काल उसको कहा जाता है इतिहास की दृष्टि से। राजा राममोहन राय एक बहुत अच्छे सुधारवादी नेता के रूप में उस समय जाने गए और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना और उसके कार्य को इसी रूप में आगे बढ़ाया कि हिंदुओं में या उस समय जो भी भारत के निवासी थे उनमें जो अंधविश्वास की प्रवृत्ति बढ़ रही है इसके कारण से उनका अपना सुधार और उनका अपना उत्थान संभव नहीं हो पा रहा है, तो सती प्रथा आदि ऐसी और अनेक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उसको जन जागरण करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज नाम की संस्था की स्थापना की। महर्षि दयानंद सरस्वती जी उस समय उन सभी संस्थाओं के संपर्क में रहे जो संस्थाएं समाज के उत्थान के लिए उस समय पुनर्जागरण काल में काम कर रही थी, जैसे राजा राममोहन राय की ब्रह्म समाज, एक देव समाज, एक प्रार्थना समाज और एक थियोसोफिकल सोसाइटी नाम की एक संस्था की स्थापना उस समय हुई थी, जिन संस्थाओं ने सभी ने हिंदू समाज में मौजूद कुरीतियों के खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज को उठाया। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती को आर्य समाज की स्थापना क्यों करनी पड़ी जब ये संस्थाएं अपने आप में मौजूद थी और इस दिशा में काम कर रही थी, उसके मूल को जानना आवश्यक है। महर्षि दयानंद की विचारधारा ये थी कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और वह इस संसार में मौजूद समस्त ज्ञान विज्ञान का एकमात्र मूल स्रोत है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी ग्रंथ है मानव द्वारा रचे गए हैं उनमें न्यूनताएं हैं, कमियां हैं, इसलिए यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें बेस मूल आधार के रूप में ज्ञान के रूप में वेद को मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो संस्थाएं चल रही थी ये सुधार का काम को तो कर रही थी, सुधार की बातों को तो आगे बढ़ा रही थी, लेकिन ये वेद को मूल ज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो मुख्य सिद्धांत जो था वो वेदों पर चलकर मुख्य सिद्धांत महर्षि दयानंद का ये था कि वेद मूल ज्ञान है और वेद से ही दुनिया में मौजूद समस्त ज्ञान विज्ञानों के सूत्रों की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहीं भी हमें जब कंफ्यूजन का स्थिति आती है तो हमें जो वेद में अंकित है उसको आधार मान करके आगे बढ़ना चाहिए। वो तो उनके सामने एक प्रश्न आया जब उन्होंने नियम बनाना चाहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो अन्य संस्थाओं ने कहा कि हम आपको अपनी संस्था का गुरु मान लेते हैं और आप हमारी ही संस्था के प्रचार विचारों को आगे बढ़ाइए। तो महर्षि दयानंद ने ये कहा कि क्या आप वेद को ज्ञान का मूल मानने के लिए तैयार हैं? लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम वेद को भी मानने के लिए तैयार हैं। तो महर्षि दयानंद का उत्तर था वेद को ही मानना और वेद को भी मानने में अंतर है। अब आप ये उत्तर दीजिए, यदि एक ही बात किसी और ग्रंथ में जिसको आप ज्ञान का मूल मान रहे हैं और वेद में अलग अलग लिखी है तो आप किसको ठीक मानेंगे? उस समय आपके पास में क्या पैमाना होगा कि वेद में लिखी बात ठीक है या अन्य किसी ग्रंथ में लिखी बात ठीक है?
जैसे उदाहरण दे देता हूँ, एक ग्रंथ में एक बात लिखी है कि पृथ्वी चपटी है जी, वेद में उसका वर्णन गोल के रूप में हुआ जी। अब जब दोनों को ही हम ज्ञान का स्रोत मान रहे हैं तो दोनों में अलग अलग बात लिखी है, तो दोनों में से ठीक किसको मानेंगे? तो महर्षिदान का कहना यह था कि हम दोनों ही ग्रंथों को अगर ईश्वर का ज्ञान मान लें तो फिर मनुष्य भ्रमित रहेगा कि ठीक कौन गलत कौन। इसलिए अध्यात्म के साथ जो वैज्ञानिक तर्क आता है उस पे आर्य समाज जो है उसको सही, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद जो बात तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध हो सकती हो आर्य समाज का वो ही मूल है जी। और महर्षि दयानंद बिल्कुल वैज्ञानिक विचारधारा के पोषक थे, जो विज्ञान के माध्यम से सिद्ध हो सकने वाली बात थी उसी का समर्थन करते थे, और जो विज्ञान के माध्यम से जो सिद्ध नहीं की जा सकती उसको अवैज्ञानिक मान करके मनुष्य को उससे दूर रहने की सलाह देते थे, और यही आर्य समाज की उत्पत्ति का स्थापना का मूल आधार था। और आर्य समाज का मूल आधार आज भी वही का वही है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और उसमें सारा ज्ञान विज्ञान समाहित है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, आज मनुष्य के उपयोग का जो भी ज्ञान है वो वेद में निहित है जी। मैं वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी कब इसकी उत्पत्ति हुई थी आर्य समाज की? विनय जी ने आपके सामने अभी वेद की बात करी, उससे पहले मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि महर्षि दयानंद ने वेद की प्राथमिकता इतनी ऊंची बताई है, उन्होंने ये कहा अपने आर्य समाज के नियम में ये कहा गया है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो उन्होंने परम धर्म की बात की, तो वो कितनी ऊँचाई देखते थे वेद में, तो क्यों आवश्यक है वो इससे झलकाता है। तो अब आपकी बात रही उत्पत्ति कब हुई, उत्पत्ति जैसे विनय जी ने आपको बताया कि उस समय प्रारंभिक अवस्था क्या थी, वो क्यों आवश्यकता पड़ी, ये विस्तार से उन्होंने बताया। लेकिन सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई जी, बिल्कुल, और महर्षि दयानंद द्वारा, सरस्वती जी द्वारा इसके स्थापना की अगर बात कर रहे हैं विनय जी, तो वेदों को अपना कर कैसे सुधार मुमकिन हुआ उस समय? महर्षि दयानंद की विचारधारा के अनुसार जो ज्ञान विज्ञान यहाँ पे प्रचलित रहा वो केवल वेद का ज्ञान रहा। तो महर्षि दयानंद की मान्यता ये थी, क्योंकि महाभारत काल के पश्चात यानी कि महाभारत का जब युद्ध हुआ, महर्षि दयानंद उसको कट ऑफ पॉइंट मानते हैं भारत की अवनति के आरंभ होने का जी। कि भाइयों भाइयों में विवाद हुआ और उन भाइयों के विवाद में एक बहुत महाविनाशकारी युद्ध हुआ महाभारत का, जिसमें बहुत बड़े बड़े ज्ञान वेत्ता मारे गए, बहुत बड़े बड़े शिक्षक मारे गए, गुरु महाराज मृत्यु को प्राप्त हुए, और इसके अलावा बड़े बड़े राजे महाराजे, बहुत बड़े बड़े योद्धा, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, जिनके कारण से महाभारत के युद्ध के पश्चात जो ज्ञान की धारा लगातार अनवरत चली आ रही थी उसमें बहुत बड़ी बाधा आई, और उसके पश्चात में वेद का ज्ञान प्रचार प्रसार जो होना चाहिए था वैसा ना हो सका। लोगों ने अपने अपने नाम से अलग अलग ग्रंथों की रचना करके उनको वेद के नाम से प्रसिद्ध करना आरंभ कर दिया, जबकि वेद में जो लिखा था वो उन ग्रंथों से पूरी तरह से अलग था, इसलिए ज्ञान पीछे रह गया, अज्ञान के रूप में नई नई पुस्तकें आगे आती चली गई, और अज्ञान का हानि जो हुआ करती है वही इस देश को सहनी पड़ी, और आहिस्ता आहिस्ता हम अशिक्षा की तरफ, गरीबी की तरफ, अनाचार की तरफ, अंधविश्वास की तरफ और पाखंड की तरफ चलते चले गए, और जो उस समय अवस्था पहुंच चुकी थी कि हमें यही नहीं मालूम था कि ये देश कभी हमारा था, इस देश का शासन कभी दुनिया के हर राज्य पे हुआ करता था, देश पे हुआ करता था, और शैक्षणिक व्यवस्था जो मैंने आपसे पहले बताई कि इस देश को गुरु माना जाता था, उस सब अवस्था से हम पूरी तरह से पिछड़े चले गए जी। बिल्कुल, जो कहते थे सोने की चिड़िया, एक एक करके उसके पर कटते चले जा रहे थे, और हमें हम देख ही नहीं पा रहे थे कि हम कमजोर होते चले जा रहे हैं, बात को समझ नहीं पा रहे थे। तो महर्षि दयानंद की जो बड़ी कृपा है कि उन्होंने हम ये बताया, ये जताया कि ये देश दुनिया का विश्व गुरु था और आपका ज्ञान ही इसका बड़ा कारण था, इसलिए आओ चलो वेदों की ओर। जैसे जैसे हम वेद ज्ञान की ओर बढ़ते जाएंगे ठीक वहीं पर पहुंच जाएंगे जिस दिशा में, जिस स्थिति में कभी ये भारत सिरमौर हुआ करता था। तो जब महर्षि दयानंद जी ने ये महसूस किया कि वेदों पर ही चलना चाहिए था, तो क्या आज भी वही शुद्ध वैदिक परंपरा पर ही विश्वास है आर्य समाज का? देखिए, आर्य समाज का विश्वास तो पूरी तरह से वेदों के ऊपर वैसा ही है जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी की इच्छा थी और उनके आदेश थे जी। लेकिन महर्षि दयानंद ने एक और बड़ी बात लिखी है, वो अपने ग्रंथों में एक स्थान पर ये लिखते हैं, यदि किसी स्थान पर मेरी लिखी हुई बात और वेद में कही गई बात में अंतर आ जावे तो वेद की बात को मान लेना, मेरी बात को
मत मानना, यानी कि वो वेद को सर्वोपरि मानते थे। मनुष्य से त्रुटि हो सकती है, इसलिए महर्षि दयानंद स्वयं कहते थे कि मैं आर्य समाज का गुरु नहीं हूँ जी, मैं केवल ये बात आपके बीच में रखने आई हूँ जो मुझे मेरे गुरु गुरु विरजानंद सरस्वती जी ने बतलाई थी। जहां तक आर्य समाज की क्रिया का प्रतिफल है, आर्य समाज आज किस बात पर चल रहा है, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना जी। और आज भी आर्य समाज जो भी गतिविधियां संसार भर में कर रहा है, चाहे वो शिक्षा की गतिविधियां हैं, चाहे वो सामाजिक उत्थान की गतिविधियां हैं, चाहे वो महिला संरक्षण की गतिविधियां हैं, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियां हैं, और सभी गतिविधियां मानव की उन्नति के लिए ही हैं, और उसमें किसी का भेदभाव नहीं है कि किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। महर्षि दयानंद का कहना यह था कि वेद का एक एक वाक्य किसी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए और किसी महिला के लिए या पुरुष के लिए नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के लिए बराबर है, ना अधिक ना कम जी। तो आज भी आर्य समाज उन्हीं के उन बताए हुए आदर्शों और प्लस वेद की बातों के आधार पर ही संचालित हो रहा है। हम वेदों की बात करें तो बहुत ही महत्व है हिंदू धर्म में, और आर्य समाज में तो वेद की पद्धति पर ही चला जा रहा है। वीरेंद्र जी, मैं चाहूंगी जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो किसी और धर्म के भी हो सकते हैं, तो आप उनको जरूर बताएं कि हिंदू धर्म में आर्य समाज में जो हम वेद ले रहे हैं वो उसकी महत्वता क्या है और क्या है वेद। आप कोई भी संस्था को चलाने के लिए या किसी चीज को भी चलाने के लिए कोई नियम बनाते हैं जी। आप हम अपने देश को ही देख लें, देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया जी। उसमें नियम डाले गए हैं, अगर आप ये नियम इस पे कार्य पे चलते हैं तो आपको ये करना होगा, ये करना, उसमें कर्तव्य भी हैं और अधिकार भी हैं जी। इसी प्रकार मानव को किस प्रकार चलना है, इंसान को किस क्या क्या कार्य करने हैं, वो सभी वेद में निहित हैं, सभी वेद में समाये हुए हैं। वेद के मंत्रों में अगर हम की वो देखें, व्याख्या पढ़ें, व्याख्या सुने, जो भी हमारे विद्वान लोग हमें बताते हैं, तो जो कार्य वेद में बताए गए हैं जो वो सब मनुष्यों को करने हैं, और जो नहीं करने वो भी वेद में बताए। तो यानी हम कहेंगे कि विनय जी, मनुष्यता जो है, मानवता जो है, वो असली धर्म है। वेद का शब्द है मनुर्भव जी, यानी के मनुष्य बन। वहाँ कहीं आदेश नहीं है कि हिंदू बन, मुस्लिम बन, ईसाई बन या सिख बन जी। तो मनुष्य बन का अर्थ क्या है कि जो मनुष्य का एक भाव समान सबका होना चाहिए। आप मेरे से जो अपेक्षा करते हो वैसे ही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, मैं भी आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरा सम्मान करें, मेरी अपेक्षा है कि आप मेरा सम्मान करें, चाहे मैं किसी भी जिस रूप में हम आज धर्म को स्वीकार कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के आधार पर, उस रूप में आप देखें तो मैं किसी सिख की भी यही अपेक्षा रहेगी कि सब लोग मेरा सम्मान करें और मैं भी सबका सम्मान करो, ये उसका कर्तव्य में निर्धारित है। तो महर्षि दयानंद कहते थे धर्म जो है सबके लिए एक है जी, अलग नहीं है जी। तो ये मत हैं अलग अलग विचारधारा के कारण से बन गए हैं। तो महर्षि दयानंद की दृष्टि से और वेद की दृष्टि से मनुर्भव जो शब्द है जिसको आपने बोला, मनुष्यता ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है, और हर व्यक्ति यदि मनुर्भव की तरफ चल पड़ता है तो मैं समझता हूँ इस संसार में जो आज अशांति नजर आती है, अलग अलगाववाद नजर आता है, ऊंच नीच के भाव नजर आते हैं, और हमारे और आपस में जो जो भेद नजर आते हैं वो नहीं रहने वाले, और वही सुख और शांति का आधार बनता है। लेकिन विनय जी, उस समय भी कठिन था, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज की अगर आधुनिक युग की बात करें अब तो और भी कठिन होता जा रहा है। ये जो आडंबर और ये जो अंधविश्वास है ये तो और भी ज्यादा हावी होते जा रहे हैं, तो ऐसे में ये परंपरा सार्थक सिद्ध हो रही है। वैसे तो आडंबर और अंधविश्वास के ऊपर अब पढ़ा लिखा जगत कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ प्रश्न अपने मन में उठाने लगा है, और आहिस्ता आहिस्ता जब हम और आगे बढ़ेंगे और चीजों को देखेंगे, आज किसी नौजवान से जब हम पूछते हैं कि क्या ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो उसका कहीं ना कहीं उत्तर रहता ऐसा लगता तो नहीं है, कहीं ना कहीं उसके मन में बात तो आ चुकी है कि ये अंधविश्वास है कहीं ना कहीं इसी रूप में। आज हम किसी छोटे से 4 साल 5 साल छठी या पांचवी के बच्चे से भी ये पूछ लें जी, हम बचपन में जाया करते थे एग्जाम के लिए तो मोर पंखी लगा लिया करते थे जी, कि मोर पंखी लगाने से अच्छे नंबर आ जाएंगे, विद्या की रानी, विद्या की रानी बोलते थे, विद्या की पत्तियां लगा लेते थे जी, जी। आज अगर किसी बच्चे से पूछें कि पढ़ने से अच्छे नंबर आएंगे या पंखी लगाने से अच्छे नंबर आएंगे, तो आपको भी उत्तर मालूम है, बच्चे का उत्तर ये होगा कि सर पढ़ने से ही अच्छे नंबर आएंगे, पत्ती लगाने से नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता उस अंधविश्वास से हम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हम सबका दायित्व है कि अंधविश्वास में हम सब, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, हम ही कहीं ना कहीं उसको डालने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको निकालना भी हमारी सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है, ताकि हम उससे निकल करके सही क्या है गलत क्या है इसमें अंतर करके सही की ओर चल सकें। आर्य समाज का एक नियम है,
सत्य को ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अभी तक मुझे सत्य नहीं पता, कोई बात नहीं, पर जिस दिन पता लग जाए मैं फिर सत्य को मानूं और असत्य को छोड़ दूं। तो ये महर्षि दयानंद का मूल था कि जब तक सत्य नहीं पता तुम दोषी नहीं हो, पर पता लगने के बाद तो कम से कम सत्य को मानो और सत्य को ना मानो। लेकिन सत्य को अपनाना बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही दिलेरी वाली बात होती है। असत्य के खिलाफ बोलना भी, ये भी आम इंसान की जो है बस की बात नहीं है। तो आर्य समाज कैसे उसको मार्गदर्शन दे रहा है? मैं समझता हूँ कि सत्य को मानना सबसे सरल है। महर्षि दयानंद ये कहते थे कि सत्य एक होता है और असत्य हजारों होते हैं। एक बार व्यक्ति सत्य बोल दे तो उसको अपनी बात को बदलने की ता जिंदगी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक बार असत्य बोल दे तो उसको ता जिंदगी ये याद रखने की आवश्यकता पड़ती है कि मैंने कब, कहां, किसके सामने क्या बोला था। जी। तो अंत में निष्कर्ष में निकालेंगे कि सत्य ही आसान है, असत्य मुश्किल है। हमने अपने मन में भावना बना ली कि असत्य बड़ा कठिन, असत्य आसान है, सत्य कठिन है। ऐसा नहीं है। आप किसी भी एंगल से कभी भी विश्वास करके देख लीजिएगा, सत्य बोलने के पश्चात में आपके मन के अंदर कभी कोई डर लोभ के भाव रहते नहीं, भाई मैंने जो सच था उसको कह दिया। तो महर्षि दयानंद ने सत्य के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और उनके आर्य समाज के नियमों में जो उन्होंने बनाए हैं उसमें सत्य को बहुत ही ज्यादा महत्व किया है। वेद और सत्य को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, उन्होंने उन नियमों की रचना की है। जी, अगर स्वामी दयानंद जी की बात करें तो आप वो उस समय जो ब्राह्मण रहे हैं और ऐसे में ब्राह्मणों की सत्ता का उन्होंने खंडन किया था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया था, तो इसको क्या कहेंगे, ज्ञान भरा कदम जो था। महर्षि दयानंद ने ब्राह्मणों की सत्ता का विरोध नहीं किया कभी, ब्राह्मणों को उनके कर्तव्य को याद कराया कि तुम्हारा कर्तव्य इस समाज को सही राह पर ले जाना था जी, और आपने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, इसीलिए ये समाज गलत दिशा में चला गया। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, जिनकी जिम्मेदारी राजा को और प्रजा को दोनों को सही दिशा में ले जाने की थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को जो छोड़ा हुआ है वो उसको समझें और वो उस जिम्मेदारी को निभाएं, ताकि हमारा देश जो शिक्षित शिक्षित अशिक्षित रह चुका है उसको हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ा पाए। तो उन्होंने सत्ता को नहीं चैलेंज किया, उनको उनके कर्तव्यों को याद कराया। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मण कौन है ये उन्होंने बताया। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो ऐसा उन्होंने सर्वथा खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण वो है जो उच्चतर श्रेणी तक पढ़ लिख जाता है और फिर पढ़ाने की क्षमता अपने में पैदा कर लेता है, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान को देने की क्षमता रखना जिस व्यक्ति में है केवल वो ही ब्राह्मण है, ना कि ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण और उसका पुत्र ब्राह्मण। इस बात का उन्होंने सर्वथा खंडन किया, यानी कि इसको काट किया। यही उनके चिंतन का मूल भाव था। जाति को वही रोकना चाहा उन्होंने, जाति को जन्म के आधार पर नहीं माना, कर्म और ज्ञान के आधार पर माना कि जो ज्ञान यानी कि क्षत्रिय है उसका जिम्मा है शस्त्र आदि चला करके देश की रक्षा करना, लेकिन क्षत्रिय का बेटा तो शस्त्र चलाना सीख नहीं पाया और उसको मैं क्षत्रिय घोषित कर दूं तो वह कैसे रक्षा करेगा। और ठीक इसी प्रकार से वैश्य जिसका काम व्यापार करना था वो व्यापार सीख नहीं पाया लेकिन वो ज्ञानवान बन गया, विज्ञान का वेता बन गया, अब वो प्रोफेसर बन गया। तो महर्षि दयानंद के चिंतन में अब वो वैश्य परिवार का चाहे पैदा हुआ हो लेकिन वो गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से ब्राह्मण है। तो ये उस स्थापना के वक्त जो थी ये दिक्कतें थी। तो आज के समय में अगर हम देखें तो आप आज कैसे पाते हैं कि वर्ण वेद तो आज नहीं नजर आएगा कहीं भी, लेकिन जातिवाद तो आज भी नजर आता है। जातिवाद एक अलग बड़ा विषय है। दरअसल में जो जातिवाद जिसको हमने मान लिया, ये समस्या वहीं से पैदा हुई जब हमने इसको जन्म के आधार पर स्वीकार कर लिया जी। महर्षि दयानंद प्राचीन काल की व्यवस्था बताते हुए बड़ा स्पष्ट बताते हैं कि वर्ण देने का काम शिक्षक का, गुरु का होता था जी। चारों ही वर्णों के बच्चे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी के बच्चे एक ही स्थान पे पढ़ते थे जी। एक ही वातावरण में पढ़ते थे, ना उसकी अधिक फीस थी ना कम फीस थी, सभी को एक ही तरह का वातावरण मिलता था जी। पढ़ने के पश्चात, पूरी शिक्षा करने के पश्चात शिक्षक उसके गुण कर्मों को देख करके तय करता था कि अमुक बच्चा ब्राह्मण बनने योग्य है जी, अमुक बच्चा क्षत्रिय बनने योग्य है और ये बच्चा वैश्य बनने योग्य है, व्यापार की बुद्धि इसके अंदर आ चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य से ये बच्चा ना ब्राह्मण बन सका, ना क्षत्रिय बन सका, ना इसके अंदर व्यापार के गुण आ सके, इसलिए इसको शूद्र, शूद्र कोई नीचे नहीं है जी, शूद्र कोई नीची जाति नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ज्ञानवान नहीं बन सके और वो जिन कामों को समाज में आवश्यकता थी नहीं कर सके, तो वो इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम
करें। शूद्र उसी को कहा गया, शूद्र का कोई अर्थ कोई नीचा गिरा पड़ा मैला कुचैला व्यक्ति नहीं है, जो ज्ञान से ऊपर नहीं उठ सका। जी। आज भी अगर हम देखें तो फोर्थ क्लास हम उसको बोल देते हैं जो तीनों में नहीं है, बाकी वो सेवा के सब काम करते हैं, हर तरह की सेवा के काम है आज के समाज में और उसकी आवश्यकता है, तो वही व्यक्ति कर पाता है जो अन्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। तो महर्षि दयानंद की नजरों में चारों ही वर्ण समाज के सम्मान के योग्य थे, कोई ऊंचा या नीचा नहीं था, केवल कर्म के आधार पर उनके गुण के आधार पर उनको एक पहचान दी गई थी, वो पहचान ब्राह्मण के रूप में थी, वो पहचान क्षत्रिय के रूप में थी, पहचान व्यापारी के रूप में थी और वह पहचान शूद्र के रूप में थी। शूद्र का बच्चा भी ब्राह्मण बन सकता था, ये उस व्यवस्था में था। जी। आज हमारी दुर्भाग्य ये है कि शूद्र के बच्चे को हम शूद्र ही रखते हैं, उसको वहीं का वहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चाहे वो कितना भी पढ़ लिख जाए, वो जो सोच थी उसको बदल नहीं पाए। कि बहुत कोशिश अभी भी आर्य समाज जो है वो कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि एक ना एक दिन जरूर वैसा समय आएगा कि सब कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। मैं दिया हूँ मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है, हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाती है एक जला के तो दिखाए, हवा को चीर कर कई दिए जला रहा है आज आर्य समाज, नमन इस सोच को। सार्थक संवाद में लूंगी आपसे इजाजत, धन्यवाद दर्शकों का करती हूँ, साथ ही धन्यवाद करती हूँ अपने मेहमानों का कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।